खबर भोपाल से मिल रही है, जहां पुलिस कर्मी पर हमले के बाद हरकत में आई भोपाल पुलिस। बदमाशों के ठिकानों पर पुलिस कर रही ताबड़तोड़ कार्रवाई। पुलिस पर हमला करने वाले 5 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक आरोपी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है। अवैध रूप से बनाए गए मकान, गुमटी व दुकान को किया जा रहा है प्रशासन द्वारा जमींदोज। नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस मिलकर कर रही कार्रवाई। बीती रात 2 पुलिसकर्मियों पर 6 बदमाशों ने किया था हमला। दोनों पुलिसकर्मियों को घायल अवस्था में हमीदिया अस्पताल में कराया गया था भर्ती। राजधानी में बीते 3 महीनों से तीसरी बार हुआ पुलिस पर हमला। एक बार फिर हम आपको बता दें कि खबर भोपाल से मिल रही है, जहां पुलिसकर्मी के पर हमले के बाद भोपाल पुलिस अब हरकत में आई है। वहीं बदमाशों के ठिकानों पर लगातार पुलिस द्वारा ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि पुलिस पर हमला करने वाले 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं एक आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। साथ ही पुलिस द्वारा आरोपियों के अवैध रूप से बनाए गए मकान, गुमटी और दुकानों को भी जमींदोज करा जा रहा है प्रशासन की मदद से। साथ ही नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस मिलकर संयुक्त कार्रवाई कर रही है। बता दें कि बीती रात 2 पुलिसकर्मियों पर 6 बदमाशों ने हमला किया था, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई है और पुलिस ने एक्शन लिया है। इस हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए थे, जिनका हमीदिया में इलाज चल रहा है। आपको ये भी बता दें कि राजधानी में बीते करीब 3 महीनों से पुलिस पर काफ़ी बार हमला हो चुका है। बता दें कि ये जो हमला है, ये तीसरी बार पुलिस पर हुआ है, जिसके बाद अब पुलिस ने एक्शन लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य भारत न्यूज। अब आप मध्य भारत न्यूज को YouTube के साथ ही Facebook, Instagram और Twitter पर भी देख सकते हैं। मध्य भारत न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।